नमस्कार सभी को मेरा नाम अनुज है आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे सो ये है आपका वोकेबलेरी वाला सेशन ठीक है और आज हम करने वाले हैं क्या इडीएम एंड फ्रेजेज इडियम एंड फ्रेजिज़ की ये आपकी सेकंड क्लास होने वाली है आज इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूँ और उसमें हमने थर्टी कितने थर्टी इडीएम डिस्कस किए थे और अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि ईडीएम और वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन की संख्या को कुछ बढ़ा दिया जाए क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी थर्टी के हिसाब से कम है अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें फिफ्टी कर दिया जाए आप मुझे अपनी कंसेंट देना मुझे बताना कि क्या इन्हें फिफ्टी किया जाए या फिर थर्टी ही किया जाए मेरे हिसाब से तो इन्हें पचास कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एग्जाम क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है बिल्कुल आपका नजदीकी आने वाला है तो थर्टी टू फिफ्टी मैं करना चाह रहा हूँ इन्हें आप मुझे अपनी कंसेंट बता देना कि क्या करना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और ओडब्ल्यू एस और आपका ई डी एम क्योंकि देखो इनमें इतना टाइम नहीं लगता है इनमें इन्हें करवाने करवाने में जो है इतना टाइम नहीं लगता है और जो जब हम वो डिस्कस करते हैं तो उन बीस में कम से कम अस्सी वो डिस्कस करते हैं तो वो दिखने में बीस होते हैं लेकिन असल में अस्सी होती हैं लेकिन ये दिखने में तीस होते हैं वो दिखने में भी 30, मतलब होने में भी भी मतलब होने ही होते हैं तो मैं इन्हें करना चाह रहा हूं आप मुझे बता देना क्या करना है ठीक है इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा पीडीएफ टाइम से अपलोड हो जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरी चीज मैं आपके थोड़े से डाउट लेना चाहता हूं किसके रिगार्डिंग पीटीएस के रिगार्डिंग देखो जब आप वेब पीटीएस जब आप पीटीएस की वेबसाइट पे जो है रजिस्टर कर रहे हो हमारी वेबसाइट है वहां पर दो ऑप्शन आते हैं एक तो आता है साइन इन साइन इन और एक आता है आपका साइन अप ठीक है तो साइन इन और साइन अप में क्या है देखो जब आप रजिस्टर करेंगे स्टार्टिंग में जब आप जाएंगे तो पहले आपको साइन अप करना होगा ठीक है ये होता है आपका रजिस्टर करना ठीक है फिर उसके बाद साइन इन करना होगा कुछ बच्चे को डाउट आते हैं कि सर हमें दोबारा बाय नाव का ऑप्शन आ रहा है एक बार बाई करने के बाद भी तो आ, ये इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने साइन इन नहीं कर रखा है अब जब अपनी आईडी लॉगिन करोगे तुम्हारा कंटेंट जब भी तो दिखाएगा तो आपने आपने अपनी आईडी अभी लॉगिन नहीं कर रखी है इसलिए बाय नाउ का ऑप्शन दिखा रहा है तो जो लोग ऑलरेडी बाय कर चुके और उनका दोबारा बाय का ऑप्शन दिखा रहा है वो यही करें साइन इन करें वहां पर साइन इन का ऑप्शन आता है ठीक है समझ गए होंगे सभी और आज जो है आपका टेस्ट होगा पीटीएस का जो आपका वाला है सो बेस्ट ऑफ लक मेरी साइड से आप सभी को देखते हैं स्टार्ट करते हैं फ्रेजेज एंड देयर मीनिंग देखो क्या होता है ब्रेक द आईज आज का हमारा पहला आइडिया है ब्रेक द आईज क्या होता है ब्रेक द आईज होता है कि स्टार्ट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन देखो क्या होता है आपकी रियल लाइफ से रिलेट कराता हूँ इसे आप शादी वगैरह में गए और मान लिया आपने कोई लड़की देख ली है ना और आपको बड़ी पसंद आ रही है वो अब आपसे बात हो नहीं रही है मतलब आपको बड़ी दिक्कत हो रही है बात करने में तो क्या हुआ तो आपने एक आइस ली और आइस ली आइसक्रीम ली और आइसक्रीम लेके क्या है उसे ले देने चले गए आइसक्रीम लेके उसे देने चले गए कि आप आइसक्रीम खाओगे तो उसने आइसक्रीम ले ली तो आपकी आ, 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 आपकी आइसक्रीम की वजह से क्या हो गया आपका ब्रेक द आइस हो गया आपकी स्टार्ट हो गई कन्वर्सेशन किससे उस लड़की से तो ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है स्टार्ट आ कन्वर्सेशन अब देखो अगर इसमें इसका मैं आपको आधारभूत मीनिंग बताऊं मतलब मेनली इडियम कैसे बनाए तो ये ऐसे बनाए कि आइस होती है ना वो कैसी होती है वो बड़ी टाइट होती है यानी कि बिल्कुल एक तरीके से जटिल होती है तो अगर उसे तोड़ देंगे तो क्या हो जाता है

कि किसी एंटोनियो में सनोनियन के साथ मैंने बताया था ठीक है बुलिंदा चाइना शॉप क्या होता है वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन मतलब एक ऐसी जगह एक मतलब एक ऐसी चीज मतलब जो अपनी जगह पे नहीं है और बहुत अजीब सी सिचुएशन है वो वाली चीज होती है बुलिंदा चाइना शॉप ठीक है अब बुल जो है बुल क्या होता है बुल आपका होता है एक तरीके सांड ठीक है अगर उसे चाइना शॉप में रख देते तो, तो बड़ा अजीब लगेगा वो तो मतलब एक ऐसी चीज जो क्या है अपनी डेलीकेट सिचुएशन पे नहीं है और बड़ी मतलब अजीब है एक तरीके से ये चीज समझ सकते हैं आप नेक्स्ट आपका बर्न अ होल इन द पॉकेट अब मान लिया कि आप कब पैसे कमाते हैं और पैसे कमा के क्या है जेब में रख देते हैं जेब आपकी फटी पड़ी है तो क्या होगा वो पैसे क्या है आपके ये समझ लो खो ही जाएंगे खर्च हो जाएंगे तो वही होता है जब मनी जो है बहुत तेजी से स्पेंड होता है वो होता है आपका बर्न अ होल इन द पॉकेट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स ये भी भी चीज होता होता है है इसका मतलब टू वेस्ट मनी मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है वही होता है बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड अब ये कैंडल है ठीक है अब कैंडल होती है मोम की अब आप इसे दोनों तरफ से जला दो इधर से भी जला दो और इधर से भी जला दो तो क्या है? जल्दी जल जाएगी तो इसी तरीके से होता है कि जब मान लिया आप अपना खर्चा चलाते हो तो उस सिचुएशन में क्या आपके पैसे कम खर्च होते हैं लेकिन अपना तो चला ही चला रहे हो लेकिन अपना फैमिली का भी चला रहे हो तो सिचुएशन में क्या मोमबत्ती को दोनों साइड से जलाया जा रहा है तो पैसे क्या है तेजी से खर्च होंगे इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो नेक्स्ट आपका बन द मिड नाइट ऑयल बन द मिड नाइट ऑल क्या होता है लेबरिंग या स्टडी टिल लेट नाइट ये होता है मतलब कि बहुत ज्यादा अपने जो आपका जो एम है ना उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना क्या होता है बन द मिड नाइट ऑयल जैसे कि अभी आप लोग कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की सीरियसली ठीक है क्या कह रहे हैं बर्न द मिड लाइट मिड नाइट ऑयल वाली सिचुएशन है उनके साथ वो एक तरीके से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए ठीक है बर्न द मिड नाइट ऑयल होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना नेक्स्ट आपका बर्निंग क्वेश्चन बर्निंग क्वेश्चन क्या होता है ये होता है आपका होट इशू होट इशू होता है आपका बर्निंग क्वेश्चन जैसे अभी अग्निवीर जब यो, जब योजना आई तो अग्निवीर क्या है क्या बन गया एक बर्निंग क्वेश्चन बन गया सभी जगह डिबेट चल रही है सभी जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके खिलाफ तो अग्निवीर क्या बन गया बर्निंग क्वेश्चन बन गया तो वही होता है बर्निंग क्वेश्चन एक जो होट इशू होता है वो होता है आपका बर्निंग क्वेश्चन नेक्स्ट आपका बरी द हेडसेट हेडसेट क्या होता है देखो हेडसेट होता है आपका कुल्हाड़ी पता है क्या होता है ये होता है कुल्हाड़ी ठीक है और बरी यानी बरी होता है दफन करना दफन करना ठीक है अगर आप अपनी कुल्हाड़ी को क्या है पहले तो आप कुल्हाड़ी ले घूमते थे भाई साहब बड़े खूंखार व्यक्ति थे लेकिन आपने अब अपनी कुल्हाड़ी को, को क्या है दबा दिया है तो मतलब आपने क्या है टू एंड टू एंड होस्टिलिटी आपने दुश्मनी को खत्म कर दिया है या फिर कह सकते हैं टू मेक टू मेक पीस पी ए पीस ठीक है टू मेक पीस होता है भी आप कह सकते हैं शांति बनाना या फिर टू एंड होस्टिलिटी अपनी दुश्मनी को खत्म कर लेना नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट क्या होता है इसका मतलब होता है इरेगुलर मतलब कोई चीज इरेगुलर हो मतलब इसके लिए एक और वर्ड आता है क्या आता है फिटफुल फिटफुल ठीक है फिटफुल भी यही होता है जब कोई चीज इरेगुलर होती है रुक रुक के होती है वो होती है, है तो जितनी भी आपकी फुल से रिलेटेड स्पेलिंग होती है ना मोस्टली स्पेलिंग ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ए, एक बार एल आता है ठीक है और जैसे स्किलफुल की स्पेलिंग है स्किलफुल अब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि डबल एल लगाएं या एल लगाएं अब कुछ लोग तो एल यूज करते हैं कुछ लोग डबल एल यूज करते हैं तो भाई क्या ही कह सकते हैं इसका दोनों ही से अप्रोप्रिएट बताया जाते हैं कि डबल एल भी यूज कर सकते हैं और एल भी यूज कर सकते हैं लेकिन मोस्टली फुल एंडेड वर्ड एक तो इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इनका पार्ट ऑफ स्पीच होता है आपका एडजेक्टिव ठीक है और फुल एंडेड वर्ड एडजेक्टिव होते हैं फिर दूसरी चीज इसमें डबल एल नहीं लगता है बहुत सारे वर्ड्स में नाइनटी परसेंट वर्ड में तो मैंने देखा नहीं लगता नेक्स्ट है। देखते हैं बाय हुक और बाय क्रुक मतलब होता है बाय एनिमीज राइट और रॉन्ग अब बाय मतलब कि एक ऐसी चीज जब आपको मतलब कोई मान लीजिए कोई भी चीज है मान लीजिए आपका सच्चा प्यार है ठीक है वो आपको पाना है तो बाय हुक और बाय क्रुक आपको किसी भी तरीके से वो पाना है चाहे वो पाना ही है लेकिन वो चाहे सही तरीका हो चाहे गलत तरीका हो पर आपको वो पाना है ठीक है मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसा नहीं कि सर ने कहा था कि आपको अपना प्यार पाना है तो ठीक है निकल पड़े अपना झोला उठा के है तो ये नहीं करना है बस ये समझाने के लिए ठीक है तो बाय हुक और बाय क्रुक होता है बाय एनी मीन्स या फिर राइट और रॉन्ग किसी भी वे में मुझे किसी को कोई चीज प्राप्त करनी है वो होता है by hook or by crook नेक्स्ट होता है नेक्स्ट हो है आपका <coughs> by lips and bounds by lips and bounds क्या होता है एट अ रैपिड पेस आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करना है ना कहते हैं कि यार कोई आपके परिवार में भी कोई डिस्कशन होता रहता है कि यार ये पड़ोसी तो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है है ना तो वही होता है by lips and bounds ठीक है मतलब बहुत तेजी से कोई चीज हो वो होता है आपका by lips and bounds ठीक है कास्टेलिना के एयर ये क्या होता है डे ड्रीम या फिर आई होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज मतलब एक होते हैं ना हवा में किले बनाना कास्टल्स क्या होते हैं कास्टल्स होते हैं किला ठीक है तो ये क्या होता है इसकी हिंदी का हिंदी में कहूँ तो हवा में किले बनाना हवा में किले बनाना अब एक चीज बताओ ये होता है कि बस डे ड्रीमिंग करना बस सोचते रहना अपने एम के लिए अब जैसे आप ही लोग हो ठीक है देखो आप लोग मेहनत कर रहे हो जो लोग सच में मेहनत कर रहा होगा और सही दिशा में मेहनत कर रहा होगा तो एप्सिल्यूटली उसे एक दिन क्या है एयरफोर्स में सिलेक्शन मिलेगा बिल्कुल मिलेगा ठीक है लेकिन अगर आप ये सोचते रहो कि मैं ये टाइम टेबल बना लूं ये स्टडी कर लू वो कर लू लेकिन एक्चुअल में उसे स्टडी ना करो तो वो सिचुएशन होती है कैस्टल्स इन द एयर बस आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छे के लिए होप कर रहे हो लेकिन अच्छे के लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो वही होती है आपकी सिचुएशन कैस्टल इन द एयर यानी हवा में किले बनाना नेक्स्ट आपका चिकन हर्टेड चिकन हर्टेड क्या होता है ये लैकिंग कवरेज जिसके अंदर बिल्कुल भी कवरेज ना हो बहादुरी ना हो वो होता है आपका चिकन हर्टेड यानी मैं कह सकता हूं डरपोक डरपोक होता है आपका चिकन हर्टेड ठीक है लैकिंग कवरेज कवरेज होता है बहादुरी बहादुरी होती है कवरेज ठीक है नेक्स्ट है आपका कोक एंड बुल स्टोरी तो क्या होता है एक कॉन कौ, एक एक कॉनकॉकटेड स्टोरी कॉनकॉकटेड क्या होता है ये मतलब होता है मन घड़ इसका मतलब होता है मन घड़ ठीक है मन घड़ ठीक है मनगढ़ंत तो होता है तो कोक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है आ, मान लिया कि आप कभी स्कूल टाइम में कुछ बच्चों ने क्लास बंक की होगी वैसे मैंने तो बहुत की है ठीक है तो क्लास बंक की होगी तो जब मान लिया आपने क्लास बंक कर दी लेकिन आपको क्या है स्कूल में हमारे स्कूल में तो पी रहते थे जो मतलब बेसिकली क्या है जो स्पोर्ट्स के टीचर रहते थे और वो मिल जाए और वो पूछे कि कहाँ से आ रहे हो तो भाई हमारे मेरे से पास तो हमेशा एक बहाना होता था कि सर अभी नेक्स्ट पीरियड है हमारा और उसमें फाइल की जरूरत है तो मैं तो स्टेशनरी तक आया था फाइल लेने के लिए ये बहना हमेशा रहता था तो वो सिचुएशन क्या है वो कोक एंड बुल स्टोरी सुना देते थे क्या है, क्या है? कौन एक कॉनकॉक्टेड स्टोरी सुनानी पड़ती थी जब आप क्लास को बंक करते थे तो इस सिचुएशन इस से आप क्या है रिलेट कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट है आपका क्रोकोडाइल टीयर्स क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होता an, an है एन एन फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ है ना क्या कहते हैं ना मत मदभाव कोई रोता रहता है तो कहते हैं कि ज्यादा घड़ियाली आंसू मत मदभाव मतलब होता है कि मतलब ऐसा दिखाने की वो बहुत ज्यादा दुखी है लेकिन वो क्या है है झूठा है वो दुखी नहीं बस दिखा रहा, रोके। तो वो ही होता है अनबल क्रो होता? होता मतलब देखो अटीन मतलब क्या होता है अटीन मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना प्राप्त ओपटेन भी कहते हैं सेम ही होता है ओप्टेन भी अटेन या ओपटेन दोनों एक ही चीज होती है तो कुछ ऐसी चीज के लिए डिजायर करना जो कि अन अटेनेबल अनबल है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो होता है आपका क्राई फॉर द मून तो एबल एंडेड वर्ड है तो क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव ये बार बार इसलिए बताता हूं मैं और, और, मैं और, वगैरह के लिए पढ़ाता हूं उन्हें नहीं बताता हूं कि एडजेक्टिव है या क्या है आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा इससे इसलिए बताता हूं तो क्राई फॉर द मून क्या होता है क्राई फॉर द मून होता है एक मतलब ऐसी चीज की इच्छा करना जो कि प्राप्त नहीं की जा सकती है आप जो इसके ईडीएम से ही पता लग रहा है अगर बच्चा कहने लगे नहीं जी चांद ला के दो हमें या आपकी गर्लफ्रेंड कहने लगे आपसे कि चांद ला के दो हमें तो ऐसे कैसे लाके दे दोगे हैं वो तो कहने वहने की बात अलग है है ना नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपका कट अ सॉरी फिगर तो देखते हैं टू गिव अ पुअर शो अब क्या होता है कट फिगर होता है एक तरीके से टू गिव अ पुअर शो या फिर मतलब आपको कोई काम दिया गया मान लिया आपको काम दिया गया लेकिन आपने क्या है उसका कट अ सॉरी फिगर किया यानी कि उसमें कोई अच्छा चीज करके नहीं दिखाई तो वही होता है टू गिव अ पुअर शो मतलब कि कुछ कुछ काम आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई लेकिन आपने उसे ढंग से नहीं किया ढंग से नहीं करके दिखाया वो होता है टू गिव अ पुअर शो या गीव अट अरे फिगर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है कट नो वाइज टू मेक टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन कट नो वाइज क्या होता है टू फेल टू दोनों लगभग एक ही मीनिंग देते हैं ये वाले एडियम टू इसमें इसका मतलब क्या होता है टू कट नो वाइज क्या होता है इसका मतलब होता है कि अब वही सेम सिचुएशन की आपको काम दिया गया या फिर आपने कोई काम किया लेकिन आप उसमें एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाए वही होता है कटनो वाइज नेक्स्ट आपका डार्क होर्स डार्क होर्स क्या है वन हु विन्स एक्सपेक्टेडली ठीक है ठीक है तो डार्क होर्स क्या होता है देखो अब क्या होता है डार्क होर्स एक ऐसा होता है जो एक ऐसा घोड़ा जो कि अंधेरे में खड़ा हो ठीक है अब जैसे हमारी ही फैमिली में क्या है एक लड़का है मतलब मेरा कजन ही है तो उसे उसे क्या है क्या कहते थे हमेशा मतलब हम लोग कहते थे कि यार ये क्या करेगा ये तो करता नहीं है पढ़ता नहीं है लेकिन आज उसकी गवर्नमेंट जॉब है ठीक है तो वो क्या है वो डार्क होर्स है यानी कि लोग उसे अंडर लो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करें ठीक है अंडर एस्टिमेट करें लेकिन एट द एंड अल्टीमेटली वही रेस को जीत जाए तो वो होता है क्या डार्क होर्स होता है ठीक है नेक्स्ट आपका डेमेस्कोल स्वाड इसका क्या होता है कॉन्स्टेंट थ्रेट इसका मतलब देखिए आपको जब कोई धमकी थ्रेट क्या होता है धमकी आपको कोई लगातार धमकी मिलती रही वही होता है आपका डेमेस कॉल्स स्वर्ड स्वर्ड क्या होती है तो तलवार इसका मतलब होता है तलवार ठीक है नेक्स्ट देखते हैं डाई इन हार्नेस डाई इन हार्नेस मतलब क्या होता है देखो डाई इन हार्नेस मतल मतलब होता है कि जैसे हमारे कौन होते हैं हमारे जवान होते हैं फौजी होते हैं तो क्या है फौजी ठीक है तो वो क्या है डाई इन हार्नेस वो मेनली क्या होता है कि वो अपनी सर्विस के अंदर ही सभी तो नहीं लेकिन आप कह सकते हैं कि 20 परसेंट तो 20 नहीं 10 परसेंट तो होते हैं ऐसे जो क्या है डाई इन हार्नेस यानी कि शहीद हो जाते हैं किसमें अपनी सर्विस के दौरान तो डाई इन हार्नेस होता है अपनी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही क्या है अपनी सर्विस अप, अपनी जान दे देना या फिर शहीद हो जाने की सेंस में यूज कर सकते हैं तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं हमारे जवानों से है ना फौजियों से नेक्स्ट आपका ईटा हम्बल पाई ईटा हम्बल पाई क्या होता है टू अपोलोजाइज माफी मांगना किसी से होता है ईट a हम्बल पाए हम्बल मतलब क्या होता है हम्बल मतलब होता है नम्र ठीक है नम्र होता है नेक्स्ट आपका देखते ईट वंस वर्ड ईट वंस वर्ड क्या होता है टू टेक statement बैक मान लिया आपने गाली दे दी किसी को है? लेकिन टीचर आ गए टीचर ने कहा कि सॉरी कहो तो उस सिचुएशन में क्या है आपने कहा कि मैं आ, कहते नहीं हिंदी में मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं तो वही है ईट वंस वर्ड यानी कि तुम अपने शब्दों को वापस ले लो टेक अ स्टेटमेंट बैक वही होता है आपका क्या ईट वंस वर्ड नेक्स्ट आपका एंड इन स्मोक एंड इन स्मोक क्या होता है कम टू नथिंग यानी कि एक ऐसी चीज जिसका कोई भी कंक्लूजन कंक्लूजन कोई भी निष्कर्ष ना निकले कोई भी फायदा ना हो मान लिया कि आपने आ, आ, कुछ लोग हैं अब हम आप, आप आप लोगों से रिलेट कर लेते हैं इस चीज को मान ली कुछ बच्चे हैं जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है ये बच्चे जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो एग्जाम आ गया एग्जाम आ गया चौबीस जुलाई है ये एग्जाम में पहुंचे लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं है तो एग्जाम में कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो कम टू नथिंग तो इनके साथ क्या है ए, ए, एंड द एंड इन स्मोक वाली सिचुएशन हो गई कि कुछ भी नहीं हुआ सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि ना तो इन्होंने तैयारी की एग्जाम देने पहुंचे लेकिन एंड इन स्मोक कुछ आता ही नहीं तो कम टू नथिंग है ना नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ईमानदारी वाले फेयर एंड स्क्वायर ये स्क्वायर डील यानी कि बिल्कुल ओनेस्ट वे में की गई डील होती है फेयर एंड स्क्वायर डील नेक्स्ट है आपका फेयर वेदर फ्रेंड फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है सेल्फिश फ्रेंड हु क्या होता है, हमेशा क्या होता है? <coughs> कहते हैं ना कि दोस्त जो हमेशा काम आए जो दोस्त जो हमेशा दुख में काम आए वो क्या होता है असल दोस्त होता है आपका लेकिन यह कह रहा है फेयर वेदर फ्रेंड अब जो हमारे जो मतलब जो सुख के दिन है उसमें हमारे साथ है लेकिन दुख के दिन में जो हमारे साथ नहीं है वो होता है फेयर वेदर फ्रेंड यानी सेल्फिश फ्रेंड जो है जो कि हमारे साथ हैं तो कभी भी फेयर वेदर फ्रेंड को नहीं रखना चाहिए अपने साथ बिल्कुल वो हमेशा अल्टीमेटली दुखी देते हैं नेक्स्ट है आपका फीदर इन द कैप फीदर इन द कैप क्या होता है यह होता है आपका एडिशनल सक्सेस एडिशनल सक्सेस फॉर एग्जाम्पल क्या कि आप अभी एयरफोर्स में, फोर्स में मतलब एयरफोर्स में लग जाते हैं लेकिन बाद में आपको रिटेन भी कर लिया जाता है उन 25 में तो ये ये क्या है फीदर है है इन द कैप आपके लिए एक एडिशनल सक्सेस है, ठीक है नेक्स्ट <coughs> है आपका फिश इन ट्रबल वाटर टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स फिश इन द ट्रबल वाटर होता है कि जब आप किसी का एडवांटेज लेते हैं किसी की प्रॉब्लम का मान लिया बहुत सारे लोग होते हैं सबसे ज्यादा ऑटो वाले ऑटो वालों से रिलेट करो इसे मैं मैं क्योंकि मैं मैं ज़्यादातर घूमता हूँ मैं काफ़ी घूमता हूँ तो ऑटो वाले और भाई साहब टैक्सी वाले रात में इनसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है टैक्सी वाले क्यों तुम पूछो इनसे कि यहाँ जाना है तो भाई साहब एक बार तो मैं गया और मैंने डिस्टेंस देखा रात के ग्यारह बज रहे थे मैंने डिस्टेंस देखा मैंने कहा यार यहाँ से वो वो जो डिस्टेंस था वो था छः से सात किलोमीटर तो पता भाई साहब ने मुझसे हज़ार रुपये मांगे ये ऑटो वाले के काम है लेकिन मैं आपको भी राय देता हूँ कि अगर आप कभी भी बाहर जाए क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है बाहर घूमने का तो हमेशा आप जब भी जाएं तो ओला रात के टाइम जा रहे हो तो ओला वगैरह से जाए नहीं तो ऑटो टैक्सी वाले तो लूट लेते हैं बिल्कुल ठीक है तो फिश इन ट्रबल वाटर आप इसे रिलेट करें ऑटो टैक्सी वाले से ये एडवांटेज लेते हैं लोगों की क्या है प्रॉब्लम्स का ठीक है नेक्स्ट है आपका फिश आउट ऑफ वाटर वन ऑफ वंस यूजल एंड कंफर्टेबल प्ले अनकंफर्टेबल होगा कंफर्टेबल नहीं होगा ठीक है

वो होते हैं है आपका आज का फ्रेंच लीव फ्रेंच लीव क्या होता है विदाउट और परमिशन देखो आपको लीव लेनी पड़ती है तो आपको क्या है वगैरह देनी पड़ती है लेकिन जब आप ऐसी इन्फॉर्मेशन ले ले, तो दिए ना आपने परमिशन लिए तो आपने बताया ना परमिशन लिए फ्रेंच लीव और इन्फॉर्मेशन हमारा कैसा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है याद रखना इसके साथ कभी भी हम एस नहीं लगाते हैं और, जब और इसका, इसके साथ हमेशा क्या है सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं ठीक है तो ये थे हमारे तीस ईडीएम और आप बताना मुझे थोड़ा सा कि मैं फिफ्टी कर दूं या नहीं ने। देखो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं जेन्यून डाउट पूछा करो यार बहुत सारे लोग अन डाउट बड़े पूछते हैं ठीक है इलेवन एट फाइव ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हाँ वहां पर आप मुझसे आगे डाउट पूछ सकते हैं जो आपको डाउट होता है क्लास वगैरह में या कैसे भी जो भी डाउट है ठीक है तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं कल मिलेंगे हम कल कौन सा से सेशन होगा आपका एंटोनियम वाला सेशन हो। नहीं नहीं कल नहीं मिलेंगे तो शाम को भी तो मिलना है 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 देखो अभी नाउन नाउन आपका खत्म खत्म हो हो चुका है। हो चुका ग्रामर में और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं टेंस टेंस स्टार्ट करने वाले हैं और दूसरी चीज मेरा अब टारगेट है कि हम एक दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे जैसे आज मैं पूरा टेंस खत्म कर दूंगा ठीक है क्योंकि हम सारी चीज इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कवर कर रहे हैं और मेरा टारगेट है कि जुलाई फर्स्ट वीक में हम क्या है ग्रामर के सभी टॉपिक कंप्लीट कर लें और फिर उसके साथ बाद क्या है हम करेंगे प्रैक्टिस जितनी होगी दबा के क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ही ना हो ठीक है चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपना ध्यान रखिए बाय बाय